आज हम आपको बताएंगे कि ड्राई क्लीन के सॉफ्टवेयर में कपड़ों की डिलीवरी की एंट्री कैसे करनी है। मींस कस्टमर के कपड़ों को आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे डिलीवर करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने ऑर्डर की एंट्री पहले से की हुई है, ठीक है। मान लीजिए उसको आज हमने डिलीवर करना है, तो इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे डिलीवरी का फोल्डर है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर होंगे, आए होंगे आपके पास, वो सारी उसकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जब लंबी लिस्ट होगी तो आपको जो भी पर्टिकुलर पर्सन को आपने डिलीवर करना है कपड़ा, उसको आप सर्च कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं, किसी के भी थ्रू आप इसको सर्च कर सकते हो कस्टमर को उसका। देखिए जैसे कि ऑर्डर नंबर है, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर डाल दोगे तो वो पर्टिकुलर जो कस्टमर है आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ऑर्डर नंबर उसका याद नहीं है या उसके पास उसको नहीं याद या आपको भी याद नहीं है, तो आप यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम दे सकते हो। मीन्स यहाँ पे सारी ऑप्शन दी गई हैं, जैसे इसी तरह से सिटी, हाउस नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह से सर्च, किसी भी ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जिस कस्टमर को आपने डिलीवर करना है कपड़ा, उसको फिर आप सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे करके सिलेक्ट करते ही नीचे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, उसका आइटम क्या थी, जैसे अभी ये पैंट कोट था, उसका एक क्वांटिटी थी, ठीक है, कलर ये था, अमाउंट ये था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिटेल आ जाती है उसकी। तो यहाँ से हमने सिंपली फाइनल डिलीवरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये विंडो आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगा, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो मैन्युअली डेट को, ठीक है। यहाँ पे उसका जो भी बैलेंस था या अमाउंट था वो दिखा देता है, डिलीवर टू, तो यहाँ पे किसको डिलीवर कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा कस्टमर का, रिमार्क्स में कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर करोगे आगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो कस्टमर का, अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हो आप। सो यहाँ पे आपने अभी सिर्फ 100 मार्क ले रहे हो, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर एट ए टाइम डिलीवरी के टाइम कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल हम नहीं दे रहे हैं डिस्काउंट, यहाँ पे डन कर देंगे। और यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप कस्टमर जो डिलीवरी के लिए आया है, जिसको आपने डिलीवर करना है कपड़ा, तो यहाँ से डबल क्लिक करके उसकी आप फ़ोटो लगा सकते हो वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आ जाएगा SGST CGST कितना लगा है टोटल, ठीक है, ड्राई क्लीन का ये अमाउंट है, इस पर कितना लगा है, सारा इसकी डिटेल आ जाएगी GST की, ठीक है। अभी हम इसको डन कर देंगे, ओके किया, इसकी अभी डिलीवरी कर दी हमने, इसको क्लोज़ करेंगे। अभी हमने चेक करना है कि डिलीवरी कब कब हमने किस किस कस्टमर को की है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कभी, तो आप डिलीवरी बुक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी जितनी भी आपने डिलीवरी की होंगी। आप यहाँ से डेट डालोगे यहाँ पे, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपने चेक करना है कि कौन कौन सी डिलीवरी किस किस कस्टमर को की है हमने, तो डेट डाल के यहाँ पे ओके करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो आपने सर्च करना होगा कि किस कस्टमर को आप, पर्टिकुलर कस्टमर को आप चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि डिलीवरी कब की थी। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम दे सकते हो, नाम से सर्च कर लोगे, या फिर यहाँ पे सीधे उसका ऑर्डर नंबर डाल दोगे तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखिए अमाउंट आप चेक कर सकते हो कि हमने ऑर्डर के टाइम कितनी अमाउंट कलेक्ट किया है,
ऑर्डर के टाइम मतलब एडवांस पेमेंट कितनी आई थी, ये टोटल आ जाती है सारे कस्टमर की यहाँ पे टोटल आएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना टोटल दिया है हमने अभी तक, हमने डिलीवरी के टाइम कितनी पेमेंट आई है वो आ जाएगी टोटल, टैक्स अभी तक कितना हुआ टोटल, सारे कस्टमर जितने भी हमारे आए हैं हमने कितना कलेक्ट किया है टैक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पे आप अगर लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप एक्सेल सीट है या एक्सेल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट आ जाएगी, ये फॉर्मेट आ जाता है, इसको आप सेव करके कहीं पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसे क्लोज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप चेक करना चाहें, एक तो हमने डिलीवरी के टाइम पेमेंट ले लेते हैं, बाकी जो मान लो कि पूरी पेमेंट नहीं आई है तो बाकी बैलेंस है वो कहाँ से चेक करना है हमने, ठीक है। जैसे अभी हमने 100 लिया था, 30 उसका बैलेंस था, ठीक है, तो हम बैलेंस में यहाँ पे फोल्डर है बैलेंस का, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जिस डेट तक आप चेक करना चाहते हो डेट डाल के ओके करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये अभी देखिए हमने जो डिलीवरी की थी उसका 30 रुपीज़ जो था वो बैलेंस था, तो इसने दिखा दिया, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाहते हो तो बैलेंस डिटेल आप चेक कर सकते हो, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, एक्सेल शीट में भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी इसे क्लोज़ करेंगे हम। अगर डिटेल में चेक करना चाहते हो बैलेंस को आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे डेट वाइज चेक कर लोगे, ओके करोगे तो यहाँ पे आ जाता है कि टोटल उसका कितना था पहले, जैसे ये आ रहा है 500 जो था पहले उसके देने वाले थे पेमेंट, 500 हमने लेना था उनसे, ठीक है, तो 300 जो उसने दे दिया था कस्टमर ने और 200 अभी बाकी है, ठीक है, ये बैलेंस में दिखा रहा है। इसी तरह ये भी है 100 पहले दिया उसने, ठीक है, 130 था तो 100 हमने डिलीवरी के टाइम ले लिया, अभी 30 जो है उसका बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे सारे कस्टमर का टोटल आ जाता है कि सभी कस्टमर से हमने कितना टोटल अमाउंट लिया, ठीक है, तो सारा बैलेंस भी आ जाएगा, टोटल कितना बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्लोज़ करेंगे यहाँ से। इसी तरह हम समरी चेक कर सकते हैं, यहाँ समरी पे क्लिक करेंगे हम, समरी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आइटम्स आ जाएंगी, जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर में आइटम्स ऐड की होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पे आता जाएगा कि कौन से कस्टमर से हमने सॉरी कौन सी आइटम के कितने ऑर्डर आए थे, कितने हमने डिलीवरी कर दी, कितना बैलेंस है, वो सारा आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुकिंग आ जाएगा, कितनी हमारे पास ऑर्डर आए हैं, कितनों को हमने डिलीवर कर दिया है, कितना अमाउंट आया था हमारे पास बुकिंग के टाइम या डिलीवरी के टाइम, कितनी पेमेंट आई, वो सारा टोटल होके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ समरी पे आपको मिल जाएंगी, डेट वाइज आप चेक कर सकते हो, इसको प्रिंट भी कर सकते हो, एक्सेल शीट में भी डाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा, कितना हमारे पास ऑर्डर कितने आइटम का आया था, टोटल कितने ऑर्डर आए थे, डिलीवर कितना किया हमने, ठीक है, बैलेंस कितना है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई मीन्स आपको कभी कभी शक होता है कि आपकी शॉप पे जो कपड़ा है वो कम है तो आप सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हो, ठीक है, उसको वेरीफाई करके। तो यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर डाल सकते हो या बार कोड डाल सकते हो, बार कोड गन से स्कैन कर सकते हो, जितने भी ऑर्डर होंगे वो सारे एक एक आइटम करके आप स्कैन करते जाओगे, आपकी अपनी शॉप में से जितने भी होंगे आपके आइटम होंगी उनको सारी को यहाँ पे आपने डालना होगा, ऑर्डर नंबर या बार कोड, ठीक है। जब भी आप डालते जाओगे तो यहाँ पे वेरीफाई जितने हुए हैं वो दिखाता जाएगा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जितना डिफरेंस है वो दिखाता जाएगा, तो यहाँ पे नीचे टोटल कितना डिफरेंस आया है वो दिखा देगा, मीन्स सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपके पास इतने जो कपड़े हैं कम हैं,
मतलब सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है आपने एंट्री की हुई है, शॉप में आपके कम है, ठीक है ना। इस कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इसके लिए है, इसे क्लोज़ करेंगे। अभी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है उस पे आप डाल सकते हो अपना क्वेश्चन, तो हम आपका जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।